299, 280 जी और 137 तीनों भेज रहा हूँ भैया। अच्छा ठीक सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको एक काम करना है कि अब जाके ब्रजेश से जो है कुछ उनका सेवा पानी कर देना। ब्रजेश कर देंगे हम। हाँ नहीं तो फिर गड़बड़ा जाए मामला। नहीं हम वहाँ जाएंगे सर, आज चले जाएं कल चले जाएं सर। आज ही एक सफेद कागज में जाके उनका सेवा कर दी जाए। ठीक सर, ठीक। नजराना कुछ हमको भी चाहिए। अरे जी बिल्कुल सर। ये ऑडियो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के गुजैनी थाने के एक दरोगा जी का है। दरोगा जी ये कह रहे हैं कि फलाने आदमी की सेवा हो जाए। दरोगा जी ये भी कह रहे हैं कि हमको थोड़ा सा नजराना चाहिए। दरोगा जी ये भी कह रहे हैं कि मामला ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा है ना, वो वाली जा रही है 299, 280 जी और 137 जी तीनों भेज रहा हूँ भैया। अच्छा ठीक सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको एक काम करना है जी, आखिरी वाला भी निपटा दीजिए सर। आखिरी वाला कर देंगे। अब केवल बात यह है ना जी कि अब जाके ब्रजेश से जो है कुछ उनका सेवा पानी कर देना। ब्रजेश कर देंगे हम। हाँ नहीं तो फिर गड़बड़ा जाए मामला। नहीं हम वहाँ जाएंगे सर, आज चले जाएं कल चले जाएं सर। आज ही हम चले जाएंगे सर। ठीक सर, अभी मैं भेज रहा हूँ, अभी जाके मिल लो जाके। ठीक, हम मिलेंगे सर, अभी लौट। कह देना कि भैया इसको आगे बढ़ा दो। ठीक सर। उनको जो है चुप्पे से अलग हटके, वहाँ कैमरा लगे रहते हैं। नहीं समझ रहे सर, वहाँ मत देना, अलग हटके बुला लेना। जी सर। एक सफेद कागज में जाके उनका सेवा कर दीजिए। ठीक सर। अब शर्तिया काम कराने की गारंटी का ये ऑडियो कानपुर में क्यों आया, कैसे आया और इसके पीछे की मामला क्या है, इस पूरे मामले को थोड़ा विस्तार से समझना होगा। आरोप है कि कानपुर के गुजैनी थाने की गुजैनी चौकी में तैनात दरोगा राजेश वाजपेयी ने फाइनल रिपोर्ट लगाने के मामले में नजराना मांगा, अपने पेशकार के लिए भी सेवा करने की बात कही और ये भी कहा कि हमको भी थोड़ा सा नजराना जरूर चाहिए। अब एक बचा है केवल यहाँ वाला, तो भैया निवेदन करें 182 कर दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। 182 कर दिया, इसमें लगा भी है साथ में। अच्छा ठीक साहब, ठीक, पूछ लेना ब्रजेश से कि लगा कि नहीं लगा। ठीक भैया, ठीक, हम फिर शाम को मिलेंगे साहब। और हम होते थोड़ा मिल लो थोड़ा। अरे शाम को मिलेंगे सर। जी सर, अब सब आप काम हो रहा भैया। चलो ठीक साहब, शाम को मिल लेंगे जी। नजराना कुछ हमको भी चाहिए। अरे जी बिल्कुल सर, ठीक है, शाम को मिल लेंगे जी। ठीक सर। बताया जा रहा है कि एक पुराने मामले में दरोगा जी ने पेशकार साहब और अपने लिए पैसे की मांग की थी। इस मामले में पीड़ित ने पैसा पहुंचा भी दिया लेकिन दरोगा जी ने काम नहीं किया। ये जो पैसा मांग रहे गुजैनी चौकी इंचार्ज राजेश वाजपेयी जी हैं, इन्होंने एक फर्जी मुकदमा हमारे बच्चों के खिलाफ लिखा गया था, जो जांच इनको दी गई थी। इंस्पेक्टर साहब ने भी कहा था कि मुकदमा फर्जी, इसको स्पंज कर देना। 44/22 है। इंस्पेक्टर साहब ने भी कहा था स्पंज कर देना। DCP साउथ ने भी कहा था कि स्पंज कर देना, ये फर्जी है। और हमारे मैंने शपथ पत्र घटनास्थल से हमसे लिए, वो भी हटा दिए। ठीक, फुटेज था CC कैमरे का, वो भी हटा दिया। और CO पेशकार के नाम पे हमसे पैसे मांगते रहे। कौन मांग रहा था? राजेश वाजपेयी जी। कितने पैसे मांगे आपसे? हमसे 29,000 रुपए ले चुके हैं। 4,000 तो इन्होंने उस दिन लिए जिस दिन बर्रा थाने में टेंट लगा था, थाने पे बुला के मांगे CO के पेशकार के नाम पे। करे दे दीजिए, नहीं तो जो हम FR लगा के भेज रहे हैं ये वापस आ जाएगी। हमको आश्वासन देते रहे, हमने FR लगा के 182 कार्रवाई की, लेकिन उन्होंने फर्जी चार्जशीट उसमें लगा। कोर्ट के नाम पे भी पेशकार के नाम पे मांगते थे, CO पेशकार के नाम पे भी पैसा मांगते रहे। अभी तक ये करीब लगभग हमसे 70-80 हजार रुपए ले चुके हैं। हालांकि जब मामला आगे बढ़ने लगा तो पीड़ित पक्ष ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से ये सारी बात बताई। अब कानपुर के DCP साउथ प्रमोद कुमार इस पूरे ऑडियो की जाँच की बात कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि अगर दरोगा जी इसमें दोषी पाए गए तो कड़ी कार्रवाई होगी। ये ऑडियो अभी आप ही लोगों के द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है और इस ऑडियो को हम लोग इसको डिजिटली एनालिसिस कर लेते हैं कि किसका है और किस टाइम पे भेजा गया है, क्या नंबर से भेजा गया है। अगर इस प्रकार की कोई भी चीज़ होगी पैसे की मांग के लिए, अगर मुकदमे में उसको ख़त्म करने के लिए, तो हम उसमें जो विधिवत जाँच करा के अगर सही पाया जाएगा तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन ये बात एकदम अटल सत्य है, ये बात शाश्वत सत्य है और ये बात युधिष्ठिर कृष्ण और भीष्म पितामह वाला सच है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग के अधिकारी बिना पैसा लिए एक काम नहीं करने जाते। ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो भी माखौल उड़ाया जाए, लेकिन 151 के मुकदमों से लेकर 307 और 302 तक के मामलों में अलग अलग रेट तय है। फाइनल रिपोर्ट से लेकर चार्जशीट का, FIR कराने तक का, पुलिस विभाग के लोग ये काम बिल्कुल ईमानदारी से करते हैं। चाहे कुछ और करें या ना करें, फिलहाल जांच और कार्रवाई की बात तो ऐसे हर मामले में की जाती है, तो इस मामले में भी की गई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।